राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ही शिक्षकों के तबादले में पैसों के लेन देन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, हम सुनते हैं कि तबादले के लिए कई बार पैसे खिलाने पड़ते हैं। पता नहीं, आप बताइए सही है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह में बैठे शिक्षकों की तरफ से आवाज है, यहाँ देने पड़ते हैं। और फिर हम सुनते हैं कि ये बार तो पैसे खिलाने पड़ते हैं। पता नहीं, आप बताओ, ये सही बात है कि मुझे नहीं मालूम है, पैसे देने पड़ते हैं क्या? दुखदायी बात है कि टीचर पैसे लेके क्लास में बैठाने के लिए वो लालच रहे। इसको मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस में कि मेरी तो मेरा नंबर तो 2 साल बाद आपको मालूम पड़ जाना चाहिए, मेरी क्लास में हो गई तो 2 साल लगेगी, नहीं 3 साल लगेगी, 3 साल लगेगी, सबको मालूम रहे। ना पैसे चलेंगे और ना MLA साहब को आप तंग करोगे, आप भी तंग खूब करते हो। MLA के कपड़े आप फाड़ते हो, MLA कपड़े फाड़ता है मंत्री जी के, वो बंद होना चाहिए। मतलब एक प्रकार से सब अपना काम अपने तरीके से करें ढंग से, उससे ज्यादा बेटर रहेगा। पर हम लोग सब इश्यूज को मेरी जानकारी में है, हम लोग बात करेंगे मंत्री जी से, कोशिश करेंगे। आप भवन जी ने कुछ कह रहे थे मुझे, बाकी रहेगा अपना डॉक्टर। ये बात तो अपन अलग कर रहे हैं, पर सुनाव अच्छा, आपका सुनाव अच्छा है। भवन जी, आपका पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट? स्कूटी योजना का। स्कूटी योजना तो सबके गर्ल्स के लिए है, कुछ संख्या 6-3 हजार से बढ़ रही, 13 हजार हो रही है, 13 हजार हो रही है। इसको हम चाहेंगे कि आजकल पेट्रोल बिल बहुत महंगा कर रखा है मोदी जी ने, एकदम चाहेंगे कि आजकल इलेक्ट्रिक आने लग गई है, अगर वो मान लीजिए एफोर्ड कर पाई सरकार, क्योंकि मुझे पता नहीं कितना पैसा लगेगा अभी, तो सिस्टम भी होना चाहिए चार्ज करने का सब जगह। कोई बात नहीं, आप उम्र को छोड़ो, जब मैं कह रहा हूँ ये पूरा परिवार बैठा हुआ हमारा शिक्षा विभाग का, इनकी जो भी मांगे होगी वो पूरी करते जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।